सबको एक बार महामंत्री होने के नाते और माननीय अध्यक्ष जी की बातों को समर्थन करते हुए मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप निश्चित रूप से कल 11 बजे किला मैदान को आकर के भर दे, क्योंकि समस्याओं पर चर्चाएं हो रही हैं और हमारे अध्यक्ष जी जुआ कर लाभ मिलता है। लेकिन सबसे जो अहम बात है, हमारी जो लंबित मांगे न्यायोचित मांगे हैं वो बहुत पहले से आ रही है। हमने 2017 को बिहार विधानसभा का घेराव करके और इस मांग को दिया था। तब से मांगे सरकार के समक्ष कई बार हम लोग लड़ते रहे और देते रहे। हमने गत वर्ष हड़ताल पर जाने की घोषणा किया था 1 जनवरी 2020 से, तो सरकार ने 8 जनवरी को हमसे वार्ता किया और कहा कि आपकी सारी मांगों को मैं 1 महीना में पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। फिर हमने कहा कि इस अगस्त महीना 2020 को हम नियुक्त करना बंद कर देंगे, तो सरकार ने 10 अगस्त को बैठक बुलाई और कहा कि मैं आपका जितने अनार्थिक मांगे हैं, जो छुट्टियां हैं, अनुकंपा है, निलंबन प्रक्रिया है और ये इंश्योरेंस है, इसको हम पूरा करेंगे, लेकिन आपका कमीशन और मानदेय का मांग मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि आपने जो कहा है कि मशीन लगने के बाद जिन जिन राज्यों में हमें कमीशन और मांग दे दी जा रही वहाँ का मुख्यमंत्री ने दिया है। आपने कहा था कि दिल्ली का हवाला करते हुए उनको 200 रुपया दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल दिए हैं, यहाँ भी आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। मैं फाइल उनके यहाँ भेजता हूँ, आप उन पर दबाव बनाए। मैं दबाव बनाने का काफी कोशिश किया, लेकिन लोगों ने कहा और तब तक चुनाव का वक्त आ गया। इस बार हम लोगों ने गत महीना में गया में एक सम्मेलन किया था, गया के 11 विधायकों में से 8 विधायक उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी आवाज को सदन में उठाऊंगा और आप उसको सड़क पर उठाएंगे। इसलिए जैसे ही विधानसभा खुलेगी मैं एक रोज बहुत बड़ा प्रदर्शन पूरे बिहार के 55,000 विक्रेताओं के साथ करूंगा और सरकार उस दिन यदि हमारी बातें नहीं सुनेगी तो मैं उसी दिन अनाउंस करूंगा कि पूरे बिहार का मेरा चक्का जाम होगा जब तक सर आज हमारी मांगे पूरी नहीं करती। ये है हमारा अंतिम निर्णय और आगे की रणनीति है। आपकी क्या क्या मांगे हैं, थोड़ा सा बताइए इसको विस्तार से। मेरा पहला मांग है जी कि जब से सरकार ने पोस्ट मशीन लागू कर दिया है तब से मैं एक कर्मचारी की भांति काम कर रहा हूँ। सरकार ने हमारी सरकारी साप्ताहिक छुट्टियाँ समाप्त कर दी है, जबकि सरकारी कर्मी को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है। काम हो या ना हो मुझे 24 दिन दुकान खोल कर रखना है, इसलिए इसी परिस्थिति में सरकार हमें वेतन दे, क्योंकि मैं सरकारी कर्मी की तरह काम करता हूँ। जो सरकार इसमें असमर्थता व्यक्त करती है तो हमें 30,000 रूपया मांग दे दे। जो सरकार ये भी कहती है ये नियुक्ति नहीं आपकी अनुज्ञप्ति है तो मुझे 300 रूपया प्रति क्विंटल कमीशन दे। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है जिस पूरे भारत के सभी राज्यों में हमारा जनवितरण दुकानदार को अनुकंपा पाए, कोई उम्र सीमा नहीं, जब तक हम काम करते हैं तब तक हम काम करेंगे, जब हम मर जाएंगे तो हमारा कोई आश्रित काम करेगा, क्योंकि सरकार अभी भी हमारे एक आश्रित को उन्होंने एक नॉमिनी बना रखा है। यदि मैं लाइसेंसी मर जाता हूँ तो उस नॉमिनी का क्या होगा जो आज भी तक वह काम कर रहा है। इसलिए हमारा दूसरा मांग है कि अनुकंपा को बरकरार रखो। जब अनुकंपा देने में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो हमारा जो नॉमिनी है उसको मेरे पास उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र दो, उससे काम दो। तीसरा है कि भारत के संविधान में सभी छुट्टियां देने का प्रावधान है, जबकि तुम हमारा संविधान के 12वें अनुच्छेद का उल्लंघन करते हो, हमारी सारी छुट्टी को समाप्त कर दिया है, इसलिए हमको पुनः उसको लागू करो। तीसरा मांग है कि हमारा जब भी कोई आरोप लगता है तो पहले हमको सस्पेंड करो, उसके बाद दुकान रख दो। चौथा है कि जब भी कोई सरकारी कमेटियां बनती है, विश्व सूत्रिका मीटिंग हो, टास्क फोर्स की बैठक हो, विश्व या पंचायत समिति की बैठक, उसमें हमारे अपने आवाज को रखने के लिए हमारा एक प्रतिनिधि को रखा जाए ताकि मैं अपनी आवाज को वहां रख सकूं। चौथा है
किरासन तेल जो समाप्त कर दी जा रही है उसको लागू किया जाए। ये भी ज्ञात हुआ है कि किरासन तेल सब्सिडी समाप्त करने वाली है सरकार। गरीब गुरबा के लिए किरासन तेल बहुत आवश्यक आवश्यकता का चीज है, उसको तो लागू करो। शहरी क्षेत्र में भी 2 लीटर, देहाती क्षेत्र में भी 2 लीटर दो। चौथा तो पचवा है उसको डोर स्टेप डिलीवरी लागू करो, जैसे कि सरकार ने हमें खदान में डोर स्टेप डिलीवरी लागू किया है। उसी तरह से हमारा ये अंतिम 8वां मांग है कि हमको भीड़ भाड़ के समय में जो हम जनवितरण दुकानदार के रूप में उपभोक्ताओं के लिए काम करते हैं, जो हमारी दुर्घटनाएं होती है, जिस तरह से अन्य कर्मियों के बीमा दिया, दुर्घटना बीमा दिया जाता है, हमें भी लागू करो। यही हमारा 8वीं मांग है और इसके लिए मैं सरकार पर दबाव बना रहा हूँ, लोकतंत्रीय पद्धति से आंदोलन कर रहा हूँ। यदि सरकार नहीं सुनेगी तो मैं इस बार जो आंदोलन हड़ताल के रूप में करेंगे, या तो हम करो या मरो का नारा के साथ लड़ेंगे, या तो हम लेके हटेंगे या तो हम मर के ही हटेंगे। यही हमारा जो केंद्रीय शक्ति रखते हैं वो अन्य जिला में भी अपना समय देकर के या कहीं भी आप जब याद करते हैं तो आपके फोन से भी दूरभाष से बात कर लेते हैं। ये सब बात आपको लड़ने के लिए और बिहार सरकार से मांग पूरा करने के लिए आप लोगों का एक होना बहुत जरूरी है और ये संगठन सरकार से लड़ने के लिए है। निजी समस्याओं अभी बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आज कैमूर जिला फेयर प्रायोरिटी एसोसिएशन की बैठक हो रही है। इस बैठक के माध्यम से सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, विभागीय सचिव को मैं अवगत कराने आया हूं और उसी की तैयारी में, क्योंकि लंबित 8 सूत्री मांग है और लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हड़ताल भी किए लेकिन एक भी मांग पर, हमारी मांग पर कोई भी सूद लेने का काम किया गया नहीं है, हम लोग का मांग पूरा नहीं किया गया। इसी कड़ी में पूरे बिहार राज्य के तमाम सभी 28 जिला में हम लोग का बैठक का दौर चल रहा है। आज हम लोग कैमूर की धरती पर पहुंचे हुए हैं, कल मेरा बक्सर का मीटिंग है उसमें भी हमारा महती सभा होगी और पूर्वे कल बक्सर में जो होगा वो पूर्वांचल फेयर प्रोटेक्शन का बैठक हो रहा है, जो राष्ट्रीय स्तरीय बैठक का आयोजन हमारे श्री कृष्ण चौबे जी जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश सहमंत्री हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सदन उपाध्याय जी, इन दोनों के नेतृत्व में बक्सर जिला में हो रहा है। पहला में आज हम कैमूर में आए हैं जिसमें हम लोग आप लोग बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी मांग अगर लंबित 8 सूत्री मांग पूरी नहीं हुई, जिसमें जन वितरण विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, अब इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है तो 30,000 रूपया मानदेय दिया जाए तत्काल, 300 रूपया प्रति क्विंटल कमीशन, इससे कोई कम्प्रोमाइज हम लोग करने वाले नहीं है। लंबित 8 सूत्री मांग में माप तौल विभाग का जो है, अब बटखारा से हो या बेइंग मशीन से, किसी एक मशीन से, हमको दो दो मशीन का, अरे बटखारा का भी पैसा लिया जा रहा है और बेइंग मशीन का पैसा लिया जा रहा है, ये अन्याय है, अत्याचार है, इसे सहन नहीं करें। इसे विभाग के सचिव को कहे किसी एक चीज से हमको कराइए और 5 साल में एक बार रिन्यूअल कराइए। उसी ढंग से लाइसेंस नवीकरण में भी 5 साल में कराने के लिए कहते हैं और ऑनलाइन हम लोग पैसा जमा करेंगे। जन वितरण विक्रेता जो मृत हो जाते हैं उसे 10 लाख रूपया मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं कि सरकारी तौर पर, सरकारी सेवक के तौर पर हम लोग 10 लाख का मुआवजा, कोई भी जन वितरण दुकानदार आकस्मिक मौत हो जाए या किसी तरह का मृत्यु उपरांत 10 लाख का मुआवजा मांग कर रहे हैं। अन्य कई जगह मांग कर रहे हैं, जैसे हम लोग का अनुकंपा, हम लोग पहले से मिल रहा था, पूर्व की बात, अनुकंपा बने जन वितरण विक्रेता मृत होते थे तो उनके आश्रित को अनुकंपा मिलता था, क्योंकि पूरा परिवार उसी पर आश्रित है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाल बच्चा जो बेटा काम करता है, पिताजी के साथ काम कर रहा है, पिताजी एक्सपायर कर गए, अब बेटा नौकरी नहीं लगा, इसी में रह गया और उसी परिस्थिति में अनुकंपा उसको मिलना चाहिए, वही मांग कर रहे हैं गुरु विवादी अनुकंपा मिले। साप्ताहिक छुट्टी जो पहले से मिल रहा था वो हम लोग मांग कर रहे हैं। निलंबन प्रक्रिया अब रद्द नहीं, FIR नहीं, सीधे रद्द, FIR कर दिया जाता है और निलंबन प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। मैं मांग कर रहा हूँ पहले निलंबन हो, निलंबन के बाद बड़ी कोई कार्रवाई, बड़ा अपराध होता है तो रद्द हो, उससे बड़ा अपराध होता है तो FIR हो, मुझे कोई आपत्ति, लेकिन पहला निलंबन प्रक्रिया होना चाहिए। ये अन्य सभी मांगों के लिए, 8 सूत्री मांग के लिए हम लोग
सरकार के सचिव के पास रखें और कैमूर जिला के तमाम जनमिदन नुकन धारवाही से अनुरोध करने आए कि साथियों साथ दो, मुझे साथ दो, चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे, उसमें साथ मांगने के लिए आए हैं और सभी लोग का बहुत ही जोरदार ढंग से हमको समर्थन मिल रहा है। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष फेयर फेडरेशन बिहार पटना।